वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस से अपने, तो ये टाइम पे मैं यूजुअली निकलता हूँ। अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:45, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। यूजुअली मैं बाइक लेके आता हूँ और बाइक वहाँ कहाँ गया, वहाँ बाइक के सेक्शन में पीछे खड़ी होती है। चलो भाई इसके यहाँ रखते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है कुछ, आपको दिख रहा होगा, तो हाँ ये उल्टा है तो ये 9:45 है, पता नहीं बराबर आ रहा है कि नहीं। अपना निकलते वक्त यही टाइम हो जाता है। आज तो हर सैटरडे मॉर्निंग है और मॉर्निंग में तो फ्राइडे रात को मैं आया था शिफ्ट के लिए अपनी, और यहाँ पे रात को ज़्यादा गाड़ियाँ होती नहीं। एक सैटरडे यूजुअली लोगों की छुट्टी होती है तो फ्राइडे नाइट से छुट्टी चालू हो जाती है, तो ट्रैफिक नहीं होता है और यहाँ पे पार्किंग फ्री होती है तो पार्किंग आराम से मिल जाती है। अभी घर चलते हैं, गर्मी वापस चालू हो गई है, भूख लगी है, थोड़ा सा सैलड बचा था, सोच रहा हूँ सैलड खा लेते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि घर पहुँचने में अभी तकरीबन 45 मिनट्स तो जाएगा, 40-45 मिनट शायद। आज सैटरडे मॉर्निंग है तो ट्रैफिक नहीं हो, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, लेकिन चांसेस का टाइम लगेगा क्योंकि एटलीस्ट 11-12 किलोमीटर तो है, 11 किलोमीटर तो है। खा लेता हूँ, रोड पे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ की और पूरी पार्किंग खाली पड़ी है, कोई टेंशन नहीं है आज। जैसे मॉल की कभी कभी पार्किंग खाली हो जाती है ना रात को, सब लोग चले जाते हैं जब, वैसा है। मैं यहाँ की पार्किंग तो नहीं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, बाहर निकल जाएंगे तो ज़रूर दिखाऊंगा। गाड़ी वाइब्रेट बहुत करती है यहाँ पे, क्योंकि जो नीचे बनाया हुआ है ना रास्ता चलने का, वो ब्लॉक्स से बना हुआ है, मतलब ऐसा सीमेंटेड नहीं है या डामर का बना हुआ, तारकोल का बना हुआ नहीं है। और अभी रास्ता यहाँ से नीचे जाने का, बहुत मस्त जगह पे अपनी बिल्डिंग ऑफिस की, थोड़ी वाइब्रेशन आएगी संभाल लेना, क्योंकि रोड थोड़ी ऐसी ही है, इतनी स्मूथ रोड नहीं है तो थोड़ी वाइब्रेशन आएगी कैमरे में, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। जितना स्मूथ आउट ना हो सकेगा उतना कर दूंगा अपना पोस्ट एडिट में। पूरा यहाँ पे ऐसे डिवाइडर बना रहे हैं दो रोड के बीच में, खोद के रखा है, इतनी नैरो रोड हो गई है यहाँ पे। अभी आज तो खैर छुट्टी है तो इतना जाम नहीं लगता, नहीं तो यहाँ पे इतना जाम लग जाता है ना कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ये यहाँ लेफ्ट साइड में ओबरॉय मॉल है, तो ये इलाका सारा मलाड ईस्ट कहलाता है, डिंडोशी, तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, बहुत बड़ा मॉल है ये भी। बस यहाँ से अपन लेफ्ट लेते हैं तो अंधेरी वेस्ट जाएंगे। ये मेरे आगे जो है एरिया, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहलाता है पूरा का पूरा। सिग्नल खुला हुआ है और अब दौड़ाओ गाड़ी, तो आज होपफुली ट्रैफिक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ भी पूरा जाम लगा रहता है। भाई ऊपर से फ्लाईओवर ऐसे जॉइन करता है, यहाँ पर देंगे राइट का सिग्नल, ये कट मार रहा है स्कोडा वाला, नाउ सिग्नल बंद। ये साइड तो फ्लाईओवर की फिर भी थोड़ी अच्छी है, जो दूसरी साइड है उससे जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें तो पूरे खड्डे खड्डे हैं, मतलब मुंबई के सबसे गंदे फ्लाईओवर्स में से एक है ये। और अभी मेरी कोई स्पीड ज़्यादा नहीं है, मैं चला रहा हूँ अभी 60 की स्पीड पे, उस साइड तो बड़े बड़े खड्डे हैं, इस साइड से थोड़ा फिर भी अच्छा है स्लोप पे। उधर से तो आने में हालत ख़राब हो जाती है, एकदम 30 की स्पीड, 25-30 की स्पीड पे चलाना पड़ता है जब मैं आता हूँ तो, मैं बाइक से भी इतने बड़े बड़े खड्डे हैं और रिपेयर ही नहीं करते सालों से, ऐसे ही है। आज सैटरडे होने की वजह से थोड़ा रोड खाली है और एक स्पीड अपने 60 की मेंटेन करके रखी है, 60 से ऊपर मैं चलाता भी नहीं, वैसे भी बहुत रेयर कभी होता है कि मैं 60 के ऊपर जाता हूँ। Meanwhile, क्या कर रहा? बॉडी क्लीन हो गई है, अभी एमटी का इधर से ऑयल चेंज होगा, यहाँ से स्कैप से पाइप से निकालेंगे और नया डालेंगे। ऑयल चेंज करने के लिए ये शील्ड वाइपर का पाइप यूज कर रहे हैं, पतला है क्योंकि उसमें जाएगा पाइप, ऑयल आएगा नीचे नहीं ते रहेगा, हाँ इतना छोटा लगेगा इतना ऑयल आएगा, निकला आधा ना ऑयल निकला है काले रंग का पूरा। क्या महंगा ऑयल बनाया है जरा सा एमटी का। टायर आगे और आगे का टायर पीछे करवा रहा हूँ, क्योंकि पीछे जो टायर था ये स्टेपनी में था ये अच्छा है, और उस साइड का टायर भी अच्छा है, और ये टायर पुराना है पीछे का, इसकी हवा कम होती है, तो मैं आगे ले जाऊँगा, फिर इंजन के वेट की वजह से आगे के टायर जल्दी घिसते हैं, तो मैं आगे नए टायर लगाऊंगा। फिर ये वाला टायर अभी इधर, क्योंकि इधर लोड ज़्यादा आता है ड्राइवर के बैठने की वजह से, इसकी ग्रिप अच्छी है। अपने फ्रेंड के साथ खेलोगे तुम?
डोंट शाउट डोंट शाउट। अरे मत करो डैडी। देखने दो मेरे को भी कैसे डाल रहे हो तुम दिखाओ। वाओ चलो मैंने भी ऐसी की है। फाइव। वेरी गुड। डन डन मेरा डन। चलो टर्न वाइज खेलो टर्न वाइज स्लो स्लो। वन चलो हो गया। उसकी टर्न है उसकी टर्न है। अरे फाइव टाइम। अच्छा ओके फाइव में चलो ओके करो। थ्री फोर लास्ट शीटिंग नहीं करना। फाइव चलो उसकी टर्न है चलो। फोकस कर रहा हूँ छोटे वीडियोस डालने के लिए क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है और लंबे लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है आजकल। तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस डालूँ और इससे फ्रीक्वेंसी भी अच्छी रहेगी मेरी और मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगा। जैसे मैं अगर मैं लंबे वीडियो के चक्कर में कंसिस्टेंट नहीं हो पाता 15 दिन निकल जाते हैं एक वीडियो डालने के चक्कर में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल जो नीचे नाम के बाजू में बटन है उसको प्रेस कर दो। वो ग्रे हो जाए तो समझो सब्सक्राइब हो गया। कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।